हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवी की। पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसे देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अभी तक हम लोग पृथ्वी की गतियाँ देख चुके थे, तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करना है हमें मानचित्र के बारे में। मानचित्र आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तत्व हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींचे गए मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित करेंगे हम लोग। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि इस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। मानचित्र की बात कर रहे हैं, मानचित्र में पहला हमारा भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, जिसमें हम लोग पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों का अध्ययन करते हैं। जिस मानचित्र में उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के तीन घटक होते हैं, दूरी, दिशा और पिति। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या
देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले चित्र कहते हैं हम लोग। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दर्शाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे देखिए, ठीक है, इसका उपयोग स्थानक के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुआ एक व्यक्ति के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए तक नहीं पहुंच जा सकते। आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम और एम से बी, बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ देते हैं, या करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी निकल आएगी। ठीक है, दिशा क्या है? दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। कौन सा ये? सॉरी, ये ठीक है, उत्तर को दर्शाता है। यह तीन का निशान उत्तर को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चार मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है इस चित्र में। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम, ये पूर्व। ठीक है, बीच की चार दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व, जिसे उत्तर पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। ठीक है, यह आपका दिक्सूचक प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक चित्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों को एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र इसमें दर्शाए गए विभिन्न रंगों का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया गया है। ये आपका रेलवे, बड़ी लाइन, मीटर लाइन,
रेलवे स्टेशन, ये आपकी बड़ी लाइन हो गई, ये छोटी मीटर लाइन हो गई, और आपकी ये रेलवे स्टेशन। ठीक, सड़कों की बात करें तो ये आपकी पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये आपकी पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला, एक क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय ये राज्य और ये जिला की हो गई। नदी, कुआ, तालाब, नहर, पुल, क्रमशः ये नदियां हो गई, एक कुआ है आपका, तालाब, नहर, नहर और पुल। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये आपका मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये आपका छतरी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेली ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पीओ, पीटीओ, पीएस। बस्तरी, बस्ती, कब्रिस्तान, ये बस्ती है आपकी, ये कब्रिस्तान है। पेड़, घास, ये आपके पेड़ हैं, ये बगल में घास है। ठीक है, रेखा चित्र, अब बात करते हैं रेखा चित्र के बारे में। किसके रेखा चित्र? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, खाका, एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसी अध्याय से संबंधित। टेलीग्राम पर डली हुई है पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और देखते रहना। ये था हमारा फोर्थ नंबर का चैप्टर। आगे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल के बारे में, ठीक है, पांचवें चैप्टर में।